क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसका मतलब क्या है कि 54th टर्म से कौन सा ऐसा टर्म है जो 132 उससे ज्यादा होगा। कैसे करेंगे इसको? इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। नाउ जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। ए क्या दिया है इसका? 3। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना होगा एवरीवन? 15 माइनस 3 विच इज 12। तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया है और ए हमें ऑलरेडी गिवन था। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने? विच टर्म ऑफ दिस एपी, तो इस एपी का एपी क्या है? 3, 15, 27, 39 और ऐसे करके बीच में कोई एक टर्म है तो वही इन्होंने पूछा है कि विच टर्म, ऐसा कौन सा टर्म है जो 132 ज्यादा होगा, मतलब 132 ज्यादा होगा किससे? 54th टर्म से। 54th टर्म से कितना ज्यादा होगा? 132। सो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? सो लेट सपोज कौन सा वो टर्म होगा? ए एन, एनथ टर्म होगा, राइट? एन क्या है यहां पे? एनथ टर्म। नाउ ए एन क्या होगा 54th टर्म से 132 ज्यादा। तो ए एन बड़ा है कि ए 54 बड़ा है? फिर से रीड करो। विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर, यानी कि कोई एक ऐसा टर्म है वो 54 टर्म से कितना बड़ा है? 132। हमने क्या एज्यूम किया? कौन सा टर्म है वो? nth टर्म है, राइट? लेट सपोज nth टर्म है, राइट? क्या होगा वो? ए एन, करेक्ट? सो nth टर्म कितना है ए 54 टर्म से? 132 ज्यादा है। तो nth टर्म बड़ा है ना किससे? 54th टर्म से। तो जब ये बड़ा है तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 132 हम कहां ऐड करेंगे? दूसरे साइड में ऐड करेंगे। बस अब वैल्यूज रख लो। ए एन क्या होगा एवरीवन? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और कॉमन डिफरेंस क्या है सीरीज का? डी कितना है? 12 इज इक्वल्स टू ए 54 क्या होगा? ए प्लस 54 माइनस वन और डिफरेंस कितना है? 12 प्लस 132। नाउ ये ए और ए कैंसिल आउट हो गया। एन माइनस वन इंटू 12 इज इक्वल्स टू 54 माइनस वन इज 53 इंटू 12 प्लस 132। इनका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 53 इंटू 12, 3 2 6, 10, 53 6 3 6, करेक्ट? 636। सो n माइनस वन इंटू 12 इज इक्वल्स टू 636 प्लस 132। अब 636 में 132 ऐड किया, 8 6 7 68, वेरी गुड। n माइनस वन इंटू 12 इज इक्वल्स टू 768 और 12 डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, तो क्या आएगा इसका आंसर? n माइनस वन इज इक्वल्स टू 768 डिवाइड बाई 12। 768 को 12 से डिवाइड करो एवरीवन, चेक करो क्या आएगा। 768 को 12 से डिवाइड किया, 2 से किया तो 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8, 2 3 6, 2 1 2, देन 2 9 18, 2 2 4, 3 से जाएगा, करेक्ट जाएगा, 3 3 9, 6 18, 1 4 64, करेक्ट, वेरी गुड। कितना आ गया? 64। सो n माइनस वन इज इक्वल्स टू 64 एंड वन इधर जाएगा, सो n विल बी इक्वल्स टू 64 प्लस वन, दैट मीन्स 65। दैट मीन्स जो हमारा ये आ गया n, क्या हो गया? 64th टर्म। विच वन? 65th टर्म, 65th टर्म, क्लियर है, राइट? ओवरव्यू दे दूं एक बार वापस से? नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, करेक्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऑल राइट, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी है ठीक है, उन दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है. द डिफरेंस बिटवीन देयर हंड्रेथ टर्म इज 100. चलो अभी इसको समझते हैं. दो सीरीज है, लेट सपोज एक सीरीज है A1, A2, A3, A4 एंड An, ठीक है. दूसरी सीरीज है क्या होगा, एज्यूम कर लो, लेट सपोज इसको B1 ले लिया, B1, B2, B3, B4 एंड BN, ठीक है. दो सीरीज दी है, दोनों सीरीज का एक चीज क्या इक्वल दिया हुआ है एवरीवन, कॉमन डिफरेंस. इनका जो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम. कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम. अब जब कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, दैट मींस इसका कॉमन डिफरेंस क्या है एवरीवन, डी. क्या है, A2 माइनस A1. इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, B2 माइनस B1, ठीक है. और दोनों ही सेम है, ठीक है. इसका मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू B2 माइनस B1. अभी आगे देखते हैं क्या है, द डिफरेंस बिटवीन देयर हंड्रेथ टर्म. चलो अब इसका हंड्रेथ टर्म क्या होगा, A100. तो इसका हंड्रेड टर्म क्या होगा, B100. वेरी गुड, ठीक है. तो इसका A100 क्या होगा, A+99D, करेक्ट. इसका क्या होगा, B+99D. डी इसलिए लिखा क्योंकि डी दोनों में क्या है, सेम है, करेक्ट. अब समझो उनका डिफरेंस, हंड्रेड टर्म का डिफरेंस क्या होगा, 100. तो दोनों का डिफरेंस निकालें, दोनों का डिफरेंस मींस A100 माइनस B100. दोनों का डिफरेंस, A100 क्या है हमारा, A+99D, करेक्ट, माइनस B100 क्या है, B+99D, ठीक है. इसको यहां से रफ करता हूं, B+99D, और इसको ब्रैकेट में रखता. अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, A100 माइनस B100 इज इक्वल्स टू A+99D माइनस B -99D. 99D कैंसिल, क्या आ गया हमारा, A-B. क्लियर. तो ये वैल्यू किसकी आई, जब दोनों सीरीज के 100th टर्म को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो आंसर क्या आया, A-B. अब क्वेश्चन ये पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म. चलो अब 1000th टर्म का डिफरेंस निकालना है, तो 1000th टर्म मतलब A-1000 माइनस B-1000 विल बी इक्वल्स टू, A-1000 क्या होगा हमारा, जैसे ये A100 था A+99D, वैसे 1000 क्या होगा, A+999D, ठीक है. दोनों को माइनस करना है, माइनस A नहीं होगा, दूसरी सीरीज का क्या होगा ये, वेरी गुड, B+999D. अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, A+999D माइनस B-999D, ये और ये कैंसिल, A-B आया. और A-B की वैल्यू हमने भी थोड़ी देर पहले क्या निकाली थी, कहाँ निकाली थी, A-B ये, और A-B क्या दिया हुआ था, 100. क्या था, 100. तो A-B की वैल्यू क्या आ गई, 100. इसका मतलब ये कि कोई दो सीरीज होने दो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ रही है यहाँ पे, कोई भी दो सीरीज अगर है और अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कोई भी दो टर्म का डिफरेंस भी क्या होगा, सेम ही आएगा. क्लियर है, करेक्ट. 100th टर्म का डिफरेंस कितना आया, 100, करेक्ट. तो 1000th टर्म के भी डिफरेंस क्या आएगा, 100. 2000th टर्म भी क्या डिफरेंस क्या आएगा, 100. क्लियर. प्रैक्टिकली करके देखें इसको, चलो प्रैक्टिकली करके देखते हैं. मान लो कोई दो सीरीज बताओ जिसका सेम डिफरेंस है, जल्दी प्रैक्टिकल करके देखते हैं. दो सीरीज बताओ मुझे, जैसे मान लो मैंने एक लिया 3, अगर डिफरेंस मान लो 2 ले लेते हैं, 3+2 = 5, देन 7, देन 9, देन 11 एंड सो ऑन.
कोई दूसरी सीरीज लो, पहला अलग नंबर ले लो, मान लो मैंने बोल दिया 8, अब इसका भी डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम 2, 8 प्लस 2 इज 10, 10 प्लस 2 इज 12, देन 14, देन करेक्ट। अब मैंने बोला थर्ड टर्म, दोनों के सीरीज का थर्ड टर्म, तो 12 माइनस 7 इज हाउ मच, 5, ठीक है, थर्ड टर्म का डिफरेंस क्या आया 5, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, देखो 5 ही आ रहा है, इसका डिफरेंस क्या आएगा, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, इसका मतलब अगर दो कोई भी सीरीज है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, दैट मींस उनकी कोई भी nth टर्म के डिफरेंस सब आपस में क्या होंगे, इक्वल। आए समझ में, इक्वेशन क्या पूछा था ये, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, कई बार आप लोगों को पूछा भी जाता है पेपर में, हाफ ईयरली या फिर कोई भी टेस्ट आपका होगा। अब कौन सा है थ्री डिजिट नंबर, करेक्ट, थ्री डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स, तो थ्री डिजिट नंबर, सबसे पहला थ्री डिजिट नंबर कौन सा होता है, 100, ठीक है, तो पहला हो गया 100, फिर 101, 102, 103, एंड लास्ट कौन सा थ्री डिजिट नंबर होता है, 999। तो ये एक सीरीज है, लेकिन जरा ध्यान से सुनो और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, मीन्स हमें सारे नंबर नहीं चाहिए, 100 और 999 के बीच में हमें वो सीरीज चाहिए है जो 7 से डिविजिबल हो, तो पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो चेक करना पड़ेगा, क्या 100 7 से डिविजिबल है, नहीं तो ये नहीं होगा, देन ये नहीं, देन ये नहीं, क्या 103 होगा 7 से डिविजिबल, नहीं होगा, देन कौन सा होगा पहला थ्री डिजिट नंबर, करेक्ट 105, करेक्ट, डिवाइड करके चेक कर लो, 105 क्या है, 7 से डिविजिबल है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या होगा 105 के बाद 7 से, तो सिंपल सी बात है, 7 से डिविजिबल मीन 7 ऐड कर दो इसमें, एक तरीके से 7 ही क्या हुआ इसमें, कॉमन डिफरेंस, 105 प्लस 7 इज हाउ मच, 112, देन 119, तो ये तो हमें मिल गया। अब लास्ट क्या 999 7 से डिविजिबल है, नहीं, अब 999 से पहले वाला नंबर क्या होगा, 998, क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं, क्या 997 7 से डिविजिबल है, तो अभी आपको निकालने के लिए चेक करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, राइट, फिर 996 भी नहीं होगा, 995 भी नहीं होगा, कौन सा नंबर होगा, 994, ठीक है, दैट मीन्स अब ये सीरीज मिल गई जो 7 के मल्टीपल में चलती जा रही है, जिसका पहला नंबर क्या हो गया 105, फर्स्ट टर्म इज 105 और लास्ट टर्म इज 994। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, कि ये सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, आपके क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं वो कैसे पता चलेगा, जो लास्ट रोल नंबर है, लास्ट रोल नंबर मान लो 40 है, दैट मीन्स टोटल बच्चे कितने क्लास में, 40, तो जो लास्ट टर्म है इसका हमें क्या निकालना है, एन, लास्ट नंबर का हमें क्या निकालना है, एन, इसी एन से पता चलेगा टोटल कितने ऐसे नंबर्स हैं इस सीरीज में, तो इसके लिए एन निकालें, ए क्या दिया हुआ है हमारा 105, डी पता है 7 और ए एन पता है विच इज 994, ठीक है। चलो सो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ए एन कितना दिया है 994 इज इक्वल्स टू, ए हमारा क्या आ गया 105 प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस इज 7, इसको इधर लेके चले जाओ 994 माइनस 105, 994 माइनस 105 तो क्या आएगा आंसर, ये आ गया 9, ये आ गया 8, 9 माइनस 8, ठीक है 889, एन माइनस 1 इंटू 7 ये आ गया
8 8 9 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू सेवन, सेवन जाएगा इसके डिवीजन में, तो चेक करो डिवीजन में कितना आंसर आएगा, 889 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू, तो 7 से डिवाइड किया, 7 वन जा 7 बचा 1, 7 टू जा 14 बचा 4, 7 7 जा 49, 127, एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू हो गया 127, एन क्या आ जाएगा 127 प्लस 1, एन इज इक्वल्स टू 128, दैट मींस ये 105 प्लस 112 प्लस 119 करते 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 994 तक टोटल 128 टर्म्स होंगे जो 7 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। तो बेटा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आप लोगों को एग्जाम में जिसमें ऐसा है कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर या कोई भी डिजिट नंबर्स हो आर डिविजिबल बाई एनी नंबर, तो क्या करना है, पहले चेक करना है कि पहला थ्री डिजिट नंबर या टू डिजिट नंबर उस नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज करूं, 7 3 की जगह मैं क्या कहता, 2, क्या बोलता मैं, 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स के लिए पहला 2 डिजिट क्या होता है, 10, 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, वो हो गया आपका पहला टर्म, और फिर उस पर 7 7 7 ऐड करते गए, लास्ट टर्म क्या होगा, 2 डिजिट बोला था तो लास्ट डिजिट मीन्स 99 से छोटा कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, वो हो गया आपका लास्ट डिजिट, इससे हम लास्ट डिजिट का क्या निकालेंगे, एन, लास्ट डिजिट का एन निकालने के बाद आंसर आ गया, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, करेक्ट, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब वही हुआ जो 4 से डिविजिबल है, बस क्वेश्चन को चेंज किया नहीं है, लैंग्वेज चेंज किया है, डिविजिबल बाई 4 की जगह क्या लिख दिया है, मल्टीपल्स, सो मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, तो अगर मैं बोलता हूं 10, ठीक है, 10, सो हाँ 10 11 12, 13, 14, 15 and 250. That means क्या? इन सारे numbers में हमें ढूंढने हैं कि जो 4 से divisible हो। तो simple सा fund है, series चाहिए है जो 4 से divisible हो। पहला term हमारा क्या होगा? जो 10 और 250 से पहले divide होगा। 250 के बीच में 10 तो नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 12 होगा, तो पहला टर्म क्या मिल गया, 12। अब बस इसी में क्या करते जाना है, 4 4 ऐड करते जाना है, तो ये हो गया 16, देन 20, एंड अब क्या 250 डिवाइड होगा 4 से, नहीं, 249 तो वैसे भी नहीं होगा, 248 होगा क्या 4 से, चेक करो, करेक्ट हो रहा है डिवाइड, दैट मींस क्या हो गया, लास्ट डिजिट 248, तो इसी 248 का हमें क्या निकालना है, n, इसी 248 का क्या निकालना है हमें, n, करेक्ट, क्योंकि मैं टोटल नंबर पता कर रहे हैं ना कि सीरीज में कितने हैं, सेम वही फंडा, क्लास में रोल नंबर निकालने पता करने के, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता करने के लिए लास्ट रोल नंबर, करेक्ट, तो लास्ट डिजिट का नंबर हमें पता चल जाएगा, n पता चल जाएगा, तो क्या पता चलेगा कि टोटल कितने नंबर्स हैं इस सीरीज में, तो a is 12, a is 12, d is 4 और an क्या दिया हुआ है 248, ये तीनों वैल्यूज हम कौन से फॉर्मूले में रखेंगे, an is equals to a plus n minus 1 into d, an is how much, करेक्ट, a क्या है 12, n minus 1, d कितना है 4, 248 is equals to, अच्छा 12 को इधर लेके जाओ, 248 minus 12 is equals to n minus 1 into 4, ठीक है, अब 248 minus 12 is how much, 236 is equals to n minus 1 into 4, अब ये 4 नीचे आएगा, so n minus 1 is equals to 236 upon 4, डिवाइड किया
59, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 59, 1 उधर आके ऐड हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 59 प्लस 1, n इज इक्वल्स टू क्या आ गया आंसर 60. दैट मीन्स इस सीरीज में टोटल कितने टर्म्स हो गए, 60 टर्म्स हैं. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं एवरीवन, लास्ट टर्म का n निकाल लेते हैं. वी कैलकुलेट n टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन सीरीज. क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2APs. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्या दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n हमेशा क्या होता है, टर्म होता है, फोर्थ फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म, कौन सी ऐसी वैल्यू होगी n की, मतलब कौन सा ऐसा टर्म होगा दो एपी में इक्वल होंगे. मतलब क्या, पहला सीरीज क्या है, 63, 65, देन 67 एंड सो ऑन. दूसरा सीरीज क्या है, 3, देन 10, उसके बाद 17 एंड सो ऑन. तो ऐसे सीरीज है, चलती चली जाएगी. अच्छा, इसका डिफरेंस क्या हो गया, 2, इसका डिफरेंस क्या हो गया, 7. तो सीरीज चलते 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 क्या होगा, एक टाइम पे ऐसा होगा कि कोई एक ऐसा सेम नंबर होगा, ऐसा सेम टर्म होगा जिसमें कि दोनों नंबर्स क्या होंगे, सेम. क्लियर है? आया समझ में? राइट, वापस से पढ़ो क्वेश्चन. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म, कौन सा टर्म, nth टर्म है ना, nth टर्म, इसका भी nth टर्म क्या होंगे, इक्वल होंगे. कैलकुलेट करें. चलो, तो सबसे पहले तो फर्स्ट सीरीज का nth टर्म यहां लिख लेता हूं, दो सीरीज है तो अलग अलग लिखता हूं. सो फर्स्ट सीरीज क्या है, 63, 65, 67 एंड सो ऑन. इसका nth टर्म निकालते हैं तो an इज इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d. nth टर्म an इज इक्वल्स टू, a क्या दिया है, 63 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस क्या होगा, 65 माइनस 63 इज 2. तो an इसका क्या आ गया, 63 प्लस 2n माइनस 2 एंड an इज इक्वल्स टू 63 माइनस 2 इज 61 प्लस 2n. तो ये आ गया हमारा an फर्स्ट सीरीज का, करेक्ट. सेकेंड सीरीज क्या है, 3, 10, 17 एंड सो ऑन. अब इसका an निकालते हैं तो an 1 लिख दो क्योंकि फर्स्ट सीरीज है, और यहां पे हम क्या लिखेंगे, an 2, मींस सेकेंड सीरीज का nth टर्म. सेकेंड सीरीज का nth टर्म निकालने के लिए a प्लस, तो 3 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 7. an 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7 इंटू n इज 7n माइनस 7. an 2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 7, तो 7n माइनस 4. क्लियर है? आया? अब वापस से समझो, फिर से बोल रहा हूं. मैंने क्या निकाला, फर्स्ट सीरीज का nth टर्म, इस सीरीज का भी क्या निकाला, nth टर्म. क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों का जो nth टर्म है वो क्या है, इक्वल. तो दोनों के nth टर्म को हम क्या कर दें, इक्वल कर दें. दैट मींस कि an 1 विल बी इक्वल्स टू an 2. an 1 हमने क्या निकाला, 61 प्लस 2n इक्वल्स टू, सेकेंड सीरीज का nth टर्म क्या है, 74 माइनस 4. अब n को एक तरफ लेकर के आओ, 74 कर रहा हूं बच्चा, ठीक है. सेकेंड सीरीज का क्या है, 7n, ये 74 देखो, बताओ 7n, इसको ठीक से लिखते, 7n माइनस 4, ठीक है. सो 7n माइनस 4, अब n को इस तरफ लेकर के आएंगे, 61 को इधर लेके जाएंगे, सो 2n माइनस 7n इज इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 61. 2n माइनस 7 इज माइनस 5n इज इक्वल्स टू माइनस 65. n इज इक्वल्स टू माइनस 65 अपॉन माइनस 5. 5 से क्या,
13, करेक्ट। सो दैट मींस n इज इक्वल्स टू क्या आया हमारा आंसर 13, यानी कि फर्स्ट सीरीज का जो 13th टर्म होगा और सेकंड सीरीज का जो 13th टर्म होगा दोनों ही चेक करके देखो एक बार, फर्स्ट सीरीज का 13th टर्म निकालो तो यहाँ पे हम 13 रखेंगे n की जगह पे, ठीक, n की जगह पे क्या रखेंगे, चलो सो 13th टर्म 61 प्लस 13 टू जा करेक्ट 26, 61 प्लस 26 इज हाउ मच 87। अब चेक करो क्या इसमें भी 87 आएगा, तो 7 इंटू 13 माइनस 4, 13 इंटू 7 कितना आएगा 91, सो 91 माइनस 4 इज हाउ मच 87, करेक्ट। यानी कि दोनों सीरीज का जो 13th टर्म है, दोनों सीरीज का जो 13th टर्म है वो सेम। तो हमने स्ट्रेटेजी क्या रखी, दोनों के एन टर्म्स निकाले और दोनों के एन टर्म्स को आपस में क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। क्लियर है, एनी डाउट? ठीक है, बाहर बच्चे खड़े हो गए। चलो नेक्स्ट लेक्चर में 16 टोटल, अभी हमारे पास सिर्फ 5 ही क्वेश्चन बचे हैं, 16, 17, 18, 19, 20। नेक्स्ट लेक्चर में वो 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दूंगा, फिर उसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स का स्टार्ट करूंगा।